नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। 5 जुलाई को संसद में बजट पेश होने वाला है। ये बजट की पिटारी कल निर्मला सीतारमण खोलेंगे। इस बजट की पिटारी को लेकर देश भर के लोगों में कई तरह की उम्मीदें हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बजट से कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमने बात की यहाँ के लोगों से तो उन्होंने ये उम्मीदें जाहिर की। बजट को लेके युवाओं में और जो बेरोजगार लोग हैं उन सबको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? सर्वप्रथम इस बार जो बजट है, विशेषतर उसमें जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं, एक तो उनको निरंतर करने के लिए और बजट की आवश्यकता है। जैसे स्किल इंडिया है या मुद्रा योजना है या स्टार्टअप योजना है, ये सब रोजगार से जुड़े हुए मसले हैं और ये सभी योजनाएं सीधे सीधे रोजगार जो बेरोजगार युवक हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो हमें चाहे वो स्किल इंडिया हो, क्योंकि स्किल इंडिया में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है कि सरकार की योजना बहुत अच्छी है पर वो ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ट्रेनिंग हो रही तो कहीं प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट उचित स्तर पर उनको ट्रेनिंग तो मिल रही है पर वहाँ पर उस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वो रोजगार के लिए उन्हें 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, तो वो उस तरह की नहीं। तो क्षेत्र वाइज ऐसे कुछ योजनाएं बनाएं कि क्षेत्र वाइज जो रिक्वायरमेंट है, जो लोकल रिक्वायरमेंट है, उनके बेसिस पे उनको ट्रेनिंग मिले और वहाँ पे रोजगार का स्तर बढ़े। साथ ही मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना बहुत अच्छी योजना है लेकिन इसके वास्तविक जो हकदार हैं उनको अभी तक ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ठेले चलाने वाला है, अगर वो बैंक में जाता है और कहता है मुझे 1 लाख रुपए की मुद्रा योजना में लोन में, तो कोई भी बैंक मैनेजर आज तैयार नहीं होता है उसको रोजगार, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर कोई छोटा बिजनेस कर रहा है जिसका ठीक है तो उसको वो पैसा आराम से मिल जाता है, जबकि वो वास्तव में जो आवश्यकता है वो उससे अभी भी वंचित है। साथ ही साथ स्टार्टअप योजना, जो स्टार्टअप के थ्रू जितनी सपोर्ट मिलती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती है और योजनाओं की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो युवाओं तक नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं लोगों के पास कि मैं ये करूं, इसमें बेहतर व्यवस्था है, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, पर वहाँ पर फंड की कमी है। फंड की कमी है तो स्टार्टअप के थ्रू उनको कैसे हेल्प आउट किया जाए, ब्लॉक स्तर पे कुछ स्टार्टअप्स को लेकर इंक्यूबेशन सेंटर्स आए, तो इंक्यूबेशन सेंटर अभी तक शहरों तक या बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज तक या फिर मैनेजमेंट कॉलेज तक ही हैं, इनकी सीमाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर तक लाने, क्योंकि भारत का 70% आबादी या 60 से 70% आबादी अभी भी गाँवों में जुड़ी हुई है और वहीं से वो रोजगार की तलाश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन स्पेसिफिक योजनाओं में ये 2-4 योजनाएं ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसमें इस बजट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया होगा, इस बात की आपको उम्मीद है? वास्तव में क्योंकि ये सब योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्राथमिकता रही है पिछली सरकार में, इसमें में कोई शंका नहीं है, बट अभी उनके जो क्रियान्वयन है उस पर जोर देने की ज़्यादा आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको, और मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित तौर से ये सरकार इस योजनाओं पर बजट तो बढ़ाएगी पर साथ ही साथ इनके जो क्रियान्वयन है उस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर मॉनिटरिंग की और आवश्यकता है कि इन योजनाओं का लाभ जो अंतिम स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंच रहा है कि नहीं। आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेके? इस बजट को लेके हमारे को ये उम्मीद है सर कि जैसे जो हमारे जो कृषि विभाग जो हैं, उस कृषि विभाग में जो हमारे जो गोगुंदा तहसील में जो पद खाली पड़े, पहले सबसे पहले तो बात यही है कि अगर ये पद जो अगर इस बजट में जो पद की जो नियुक्ति के लिए जो अगर सरकार अगर इस बजट में लेगी तो हमारे को बहुत सारा फायदा किसानों को मिलेगा। दूसरी बात है सर कि हमारे जो कृषि उपज मंडी है गोगुंदा में, यहाँ पर भी है जो अगर इस बजट में जो अगर लिया होगा तो इस कृषि उपज मंडी के लिए भी हमारे को बहुत फायदा मिलेगा किसानों को। और मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि जो जो किसानों के लिए जो जो कृषि मंत्रालय हैं, उस मंत्रालय में जो पद रिक्त पड़े हैं उसको भी उस बजट में लें और उस मंत्रालय को में अपने सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति दे देवे, तो हमारे किसानों को सबसे बड़ा
फायदा मिलेगा सर कि जो हमारे ये पहाड़ी इलाका पड़ता है गोगुंदा तहसील उदयपुर जिला में, तो इसमें क्या कि हमारे जो किसान भाई जो अगर थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेके बैठे हैं और ये आ रही है जंगलात के अंदर, तो इन जंगलात के अंदर आ रही है और ये बजट पेश हो रहा है, इस बजट के अंदर भी सरकार ने कोई नियम बना के बनाया होगा किसानों के लिए, तो किसानों को अगर पट्टा की जो व्यवस्था हो जावे तो किसानों को बड़ी उम्मीद जगेगी सर। देखिए जो बजट पेश हो रहा है हमारी उम्मीदों और इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं होता। इनकम टैक्स का जो बजट है आप देखिए कि पिछले 2014 के बाद में जो टैक्स स्लैब है काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक छूट दे दी है, और अब जो हमें उम्मीदें करनी चाहिए कि जो ATC का जो इन्वेस्टमेंट होता है जैसे LIC, PPF, GPF, SI, हाउस लोन का प्रिंसिपल है, ट्यूशन फीस वगैरह, तो ये जो अभी जो रिसेंटली जो छूट है वो 1.5 लाख की लिमिट है, इस लिमिट को गवर्नमेंट को 2 लाख तक का करना चाहिए। और बाकी GST को लेकर के जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर कुछ विचार करना चाहिए और सॉफ्टवेयर को कुछ अपडेट करके नए सिस्टम लाने चाहिए। GST में जहाँ पर रिवाइज रिटर्न का कोई सिस्टम नहीं अवेलेबल नहीं है, एक बार आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापारी है एक बार रिटर्न फाइल करता है तो भूल हो सकती है, उसे रिटर्न को रिवाइज करने की भी अनुमति देनी चाहिए। और गवर्नमेंट को GST को एक अभी जो देखे जाए अन्य दूसरे कंट्री के अगर हम कंपेयर करते हैं तो GST इंडिया का जो GST का जो सिस्टम है काफ़ी हद तक कठिन है, जटिल है, जिसे एक आम आदमी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। एवं जो पेनल्टी का जो सिस्टम है GST नया आया है तो 2017-18 के जो रिटर्न है उनको रिवाइज करने का एक बार गवर्नमेंट को परमिशन देनी चाहिए लोगों को। और बजट पेश कर रही है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का जो किसानों के प्रति गवर्नमेंट का एक है कि पिछले आप आज़ादी के बाद में इतिहास उठा के देखिए तो किसानों के जो लागत मूल्य हैं आपके गेहूं की देखे चाहे मक्की की देखे तो उनमें जो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, किसान आज भी नुकसान ही सहन कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए बजट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो और किसानों को वास्तव में इसका कोई फ़ायदा देना चाहिए। और हमारे इंडिया में देखे जाए तो विलफुल डिफॉल्टर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो देश से बाहर भाग जाते हैं पैसे लेकर के, वो एक आम जनता का पैसा है, तो देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए इनके प्रति एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए ताकि आम आदमी सोच सके कि ये पैसा हमारा नहीं ये देश का पैसा है, तो इससे देश का क्या विलफुल डिफॉल्टर की संख्या कम होगी, तो बैंक के जो डिफॉल्टर की संख्या होगी वो कम होगी, तो एक आम लोगों को भी लोन आसान से मिल सकेगा। हमें मूल उम्मीद जो वो है कि नरेगा की जो मूल मजदूरी दर है जो बढ़ने की संभावना है, हमें उम्मीद है अगर वो अगर रेट न्यूनतम रेट बढ़ेगी मजदूरों की जो वर्तमान मिल रही उससे ज़्यादा तो आर्थिक विकास में कहीं न कहीं इजाफा होगा। और दूसरा जो सौभाग्य सोलर योजना जो चल रही है प्रधानमंत्री जी की, उसमें हमारे यहाँ पे खेतों की बिजली भी समस्या में कम आती है और घरों की बिजली की भी आदिवासी बेल्ट में कम रहती है, तो उसका लाभ मिलेगा जिससे लोगों के अंदर खेती के अंदर भी ग्रोथ होगी और लोगों की शिक्षा के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे और बिजली रहने से आम लोगों की जो मूलभूत व्यवस्थाएँ बनी रहेगी। बजट से हमें गोगुंदा के क्षेत्रवासियों को पूरी विधानसभा को बहुत सारी उम्मीदें हैं और जो रेल लाइन का जो कार्य है हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार इस बजट में जो हमारे रेल लाइन है जो उदयपुर से जो पिंडवाड़ा वाली वो इसमें ज़रूर लेंगे और हम मेवाड़ वासियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। सर हमें तो यही एक बेरोजगार हूँ मैं और बेरोजगारी राजस्थान में बढ़ती जा रही है, तो और बेरोजगारी में भी शारीरिक शिक्षक के पद जो एग्ज़ाम हो गया साल भर हो गया है और उसको अभी तक नियुक्ति नहीं दी, तो मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी नियुक्ति दी जाए और नई वैकेंसी आए तो काफ़ी बेरोजगारों को इसमें फ़ायदा मिले। तो ये जो लोकसभा चुनाव के बाद में मोदी जी से क्योंकि स्किल इंडिया और ये जो बहुत सारे स्किल इंडिया पे काफ़ी फोकस किया था और रोज़गार का भी लोगों को कई तरह की उम्मीदें हैं कि ये बढ़ाएंगे, आपको लगता है कि इस बजट में जो आपकी मांग है इसकी व्यवस्था होगी? होनी चाहिए, यही उम्मीद करते हैं हम तो। क्या उम्मीदें हैं गांव के लोगों को? बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो पूरा मेवाड़ है वो पूरा आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी क्षेत्र को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस संसद के बजट से। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की हाल है वो बहुत खस्ता हालत है और हम तो सरकार से इस सत्र में बजट के सत्र में यही चाहेंगे कि जो 3% शिक्षा पे सरकार हर साल खर्च कर रही है वो होना चाहिए 6%। वो शिक्षा नीति भी भारत की सरकार अभी लेके आई है,
तो उस शिक्षा नीति के साथ अगर 6% बजट का आवंटन कि वो भी जनता के मुद्दों पे खरा उतरेंगे और वो जिस जनादेश का उनको सम्मान इस संसद का जो बजट आया उसको उससे करना चाहिए और लोगों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि स्वच्छ पानी है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है और रोजगार है, तो ये फंडामेंटल राइट्स लोगों के हैं, तो वो मेरे ख्याल से इसके अंदर ज़रूर सरकार समावेशित करेगी और हमको पूरी उम्मीद है कि अच्छा बजट का उद्देश्य होगा। केंद्रीय बजट में हम ये आशा करते हैं कि देवास परियोजना जो हमारे यहाँ जाड़ोल में चल रही पूर्व में चल रही है उसमें चौथे चरण में जो नालमुखी में जो बांध बनने वाला था उसके लिए जो बजट केंद्र द्वारा आवश्यकता है राज्य सरकार को, हम ये आशा करते हैं कि इस बजट में गजेंद्र सिंह जी जो हमारे सत्ता शेखावत साहब जो मंत्री है इस नए मंत्रालय के, हम उनसे उनके ध्यान में है इस विषय और हम ये आशा करते हैं कि इस बजट में हमारे जो देवास चतुर्थ से का जो का फेस का जो कार्य है वो इस बजट में थोड़ा बहुत पैसा हमारे को स्वीकृत हो। डेली राजस्थान पर अपलोड होने वाले तमाम तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसके नीचे ये जो घंटी है इस घंटी को आप दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।